अर्चनी वन्नी संसमाज धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, प्यारे बच्चों, साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का आज अंतिम दिन है। इस मंच पर आज चौथा दिन है। मैंने अलग अलग दिन अलग अलग विषयों पर थोड़ी सी कहने का प्रयास किया। आज उसी क्रम में कुछ और निवेदन करूं। अंतिम शेष मुख्य चीज है परिवार। परिवार कैसे होता है जिससे सभी के मन में शांति हो, जिससे घर के बच्चे संस्कारी हो, जिससे आपस में आत्मीयता बने रहे, किसे परिवार कहते हैं, घर को स्वर्ग कैसे बनाए। मैंने कहा था पहले ही दिन भूमिका में कई विषय बताया था, लेकिन कुछ ही विषयों पर चर्चा होगी। आइए, परिवार सप्ताह में 7 बार होता है, सोमवार से लेकर के रविवार, और 8वां वार है वो सबसे महत्वपूर्ण है परिवार। परिवार उसे कहते हैं जहां आपस में भाई और भाई, देरान और जेठान, सास और बहू, बच्चे नाती पोते सब एक साथ मिल करके रहे, जहां बड़ों को सम्मान दिया जाता हो, छोटों को प्यार दिया जाता हो, उसे परिवार कहते हैं। जहां भाई और भाई, देरान और जेठान, सास बहू मिलकर एक साथ दोपहर का भोजन हो, मानो उस घर में रोज होली का त्योहार है। जिस घर में सभी मिलकर के एक साथ दोपहर का भोजन हो, मानो उस घर में होली का त्योहार है। और जिस घर में रात्रि को ऑफिस से, ड्यूटी से, खेत से, खलिहान से, स्कूल से, कॉलेज से, कहीं से भी आने के बाद रात्रि में भोजन के पूर्व एक दीप प्रज्वलित कर लिया जाता हो, और माता पिता की आरती कर लिया जाता हो, बड़े गुरुजनों की वंदन कर लिया जाता हो, समय हो तो कुछ पाठ चिंतन कर लिया जाता हो, कुछ भजन वार्ताएं हो जाती हो, और आशीर्वाद लेने के बाद सब एक साथ मिल करके भोजन करते हो, वहां रोज दीपावली का त्योहार है। आप लोग साल में एक बार मनाते हैं, साल में एक बार होली मनाते हैं, साल में एक बार दीपावली मनाते हैं, लेकिन जिस घर में परिवार होता है, जिस घर में घर होता है, जिस मकान में मकान घर में तब्दील हो जाता है, वह घर में प्रेम बढ़ जाता है। मकान बनाया बुनाया मिल सकता है, आप अच्छे से अच्छे मकान खरीद सकते हैं पैसा से, लेकिन घर नहीं खरीद सकते पैसा से। मकान कोई टेंडर से बनवाया जा सकता है, मकान कोई ठेकेदार से बनवाया जा सकता है, लेकिन घर कोई ठेकेदार नहीं बना सकता है। घर तो बनता है आपसी प्रेम से। मकान को सजाने से मकान सस्ता है, लेकिन घर में तब्दील नहीं होता। एक आदमी घर में प्रवेश करता है, डाइनिंग रूम, बेडरूम, मकान सजा है, फॉल्स सीलिंग लगा है, टाइल्स लगा है, ये मकान सजा है, घर नहीं सजा है। जब किसी घर में विवाद स्थिति आती है, तब क्या कहते हैं लोग, मकान टूट करके बिखर गया। ये सब तो कोई नहीं कहते हैं, मकान नहीं टूटता है, ये लोग क्या कहते हैं, घर टूट करके बिखर गया। घर टूट करके बिखर गया, घर को तोड़ना और जोड़ना आप हम सबके हाथ में रहता है।
इसलिए हम इतना सुंदर परिवार बनाए, इतना सुंदर माहौल बनाए, जहाँ अपनापन हो, जहाँ प्रेम हो, जहाँ बड़ों को सम्मान मिलता हो, जहाँ छोटों को प्यार मिलता हो, उसे परिवार कहा जाता है, उसे घर कहा जाता है। सबके पास वो शक्ति नहीं कि बड़े बड़े बिल्डिंगें ठोक सके, बड़े बड़े मकान बना सके, लेकिन सबके पास वो शक्ति है कि घर सब बना सकते हैं, घर सब बना सकते हैं। घर बनता है एक एक क्रियाकलाप से, घर बनता है एक एक व्यवहार की मधुरता से, घर बनता है अपने किए हुए पर गलतियों पर पश्चाताप करने से और बड़ों को सम्मान करने से। घर बनता है कभी हमारी गलती नहीं है पर भी उन गलती को कूट कर जाने से घर बनता है। हमारी गलती नहीं है मैं क्यों चुप रहूं, इससे घर टूटता है, घर बिखरता है। घर बनाना है, घर बसाना है, घर को निर्माण करना है, घर सुंदर रखना है, घर सजा करके रखना है, तो कभी कभी बड़ों का सहना पड़ता है, कभी कभी छोटों को सहना पड़ता है, और खास घर के मुखियाओं को ज्यादा सहना पड़ता है। सब तरफ से उनको भार डाला जाता है, सब तरफ से सहना होता है। उधर से छोटी बहू कहेगी, इधर से बड़ी बहू कहेगी, इधर से मंझली बहू कहेगी, उधर से वो बेटा कहेंगे, कभी वो बेटा कहेंगे, सबका सुनना पड़ेगा तब घर बनता है। और हम चाहे कि ना सुने तो घर नहीं बन पाए। घर तो सौभाग्यशाली लोग बनाते हैं। और माताओं से निवेदन करूंगा कि आपका घर बनाने और बिगाड़ने में सबसे ज्यादा आप लोगों की भूमिका होती है। यदि बहू और बहू में आपस में दयान और जेठान में और बहुओं में ताकत हो, आपस में प्रेम हो, तो किसी का नहीं चलेगा वहां, ना कोई ससुर का चलेगा, ना कोई सास का चलेगा। लेकिन आपस में दयान और जेठान और सास बहू में सांप और नेवले का टक्कर चल रहा है, आएगी घर नहीं बनता है, घर वैसे में नहीं बनता है। आपकी बेटी तो आपकी ही बेटी है। जब आपको महसूस हो जाए, आपके घर में आई हुई बहू को महसूस हो जाए कि असली माँ बाप सच में मेरे, असली माता पिता मेरे सास ससुर है, उस दिन आप एक सासू माँ नहीं रहती बल्कि एक घर की माँ बन जाती है। ये प्रकृति का नियम है। जब समुद्र में तरंगायित होती है पानी, तो तरंग लहरें आती है, तो नष्ट के गड्ढों को पहले भर के आगे बढ़ती है लबालब करके, तब दूर के गड्ढों को भरती है। लेकिन आदमी की प्रवृत्ति कैसी है, दूर का ढोल स्वभाव है। वो माँ जो कोसों दूर छोड़ आई है, उससे आत्मीयता होती है, उससे प्रेम होती है। वो बेटी जो छोड़ करके ससुराल चली गई है, जो कभी कभी घर में आएगी, उनसे बड़े प्यार से बात करेगी, उनसे बड़े लगाव से बात करेगी। लेकिन जो बहू घर में है, जो साथ निभाएगी, मरते दम तक वो मुंह में पानी डालेगी, उनको कितना साथ देते हैं, उतना उनको कितना सम्मान देते हैं। उस बहू को आप कितना सम्मान देते हैं जो आपके साथ हर पग पग पर आपके साथ में रहेगी। आप चाह करके अपने बेटी को कहेंगे कि बेटी एक सप्ताह से 10 से 11 दिन रह जाओ, नहीं रुक सकती, वो चले जाएगी, लेकिन आपकी बहू आपके साथ रहेगी, कितना आप प्यार करते हैं बहू। इसका मतलब ये नहीं कि एक तरफ से ही ताली बजती है। बहू का कर्तव्य बनता है कि उस माँ के लिए समर्पण हो, उस दादी माँ के लिए समर्पण हो, जिन्होंने एक अखपाई जोड़ा, एक अखपाई जोड़ा, रात और दिन खेतों में, खलिहानों में, ऑफिस में, नौकरी में, व्यापार में, बट्टा में, एक एक मिनट समय का दोहन किया, एक एक रुपये पैसा जोड़ा और सारे संपत्ति अपने बहू और बेटे को अर्पित कर दिया। क्या कभी इतना अधिकार नहीं कि आपको आपके सासू माँ, आपके ससुर जी डांट सके? क्या इतना अधिकार नहीं है? जो सुख उन्होंने नहीं भोगा था, जैसे सुविधाएं उन्होंने नहीं भोगा था, उन सुख और सुविधाएं आपके लिए मौजूद कर रहे हैं, आपके लिए अपनी सारी संपत्ति दांव में लगा देते हैं, क्या इतना अधिकार नहीं कि आपके सासू माँ, आपके ससुर जी आपको कभी डांट सके? और इतना अधिकार ये नहीं है तो आपका उस घर में अधिकार नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूँ लेकिन कटु सबसे, यदि इतना अधिकार उस सास और ससुर को नहीं है तो आपका उस घर में अधिकार नहीं है। आप किस रिश्ते, किस रिश्ते और नाते से उस घर में टिकेंगे? आप महसूस करिए।
इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बहू है तो आप डांटते भी रहे। कभी उनकी गलती हो जाती है, उन गलती को क्षमा भी करें। जब शादियां होती है, अपने बेटों के शादी करते हैं, बड़े बड़े ढोल बजा करके, सजा करके, 40,000, 50,000, 70,000 के डीजे बजा करके, बड़े स्पेशल ढंग से स्वागत करके घर में को घर में बहू को आप लाते हैं, उस दिन तो ढोल बजाए। अब ढोल नहीं तो बहू का ही ढोल मत बजाते रह जाना। नीति यही होता आता है कई घरों में। आपका घर है, आपको बनाना है। आज सुंदर परिवार मिला है, आज सुंदर समाज मिला है, आज हमको सुंदर विचार मिला है, हमारे पास भ्रांतियां नहीं है, हमारे पास कर्मकांड नहीं है, आज अवसर मिला है, आज अवसर मिला है माता पिता की सेवा करने का, आज अवसर मिला है आपस में तेरान जेठान सास बहू साथ में रहने का। जिसके माँ बाप नहीं हो माँ बाप के लिए तरसते हैं, जिसके बच्चे नहीं हो बच्चे के लिए तरसते हैं, और जिसके बच्चे हो जाते हो बच्चे से नफरत करते हैं, जिसके माँ बाप होते हो माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजते हैं। कितनी कटुता है आदमी की। जिस माँ बाप ने जन्म दिया, जिस माँ बाप ने एक अकपाई जोड़ा, जिस माँ बाप ने गीले में सो करके सूखे में सुलाया, उन्हीं माँ बाप को तिरस्कृत करते हैं, उन्हीं माँ बाप को कटुता सहना पड़ता है। और इसमें कुछ गलती माता पिता की भी होती है। जो बातें नहीं बोलना चाहिए ऐसे बातें अपने बच्चे के पास बड़बड़ बोलते हैं। वाणी संयम पर उस दिन मैंने काफी देर तक कहा था, कभी लगता है कि मेरे ना बोलने पर मेरी गलती नहीं है, मुझे दोषारोपित किया जा रहा है, और मेरे ना बोलने पर यदि रिश्ते मीठे बनते चले जा रहे हैं, मेरे ना बोलने पर भी परिवार में एकता बनी रहेगी, तो अपनी गलती नहीं होते पर दोषारोपित कोई कर रहे तो मत बोलो, सह जाओ, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। परिवार ऐसे नहीं बनता है। जब कभी कभी आदमी मीठा खाना शुरू करता है तो मीठे मीठे से उग जाता है, तो कभी खराब ही ले लिया करता है। आपस में परिवार में प्रेम चलता रहता है, कभी कभी कटुता आ जाती है। जहाँ चार बर्तने रहती है वहां बर्तनों में आवाज आ जाया करती है। उसको संभालना आपके हाथ में है, आपके हाथ में है। और बुढ़ापा को सुखद बनाना है तो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है वाणी पर संयम। यदि आपका वाणी संयम नहीं है तो मैं उस दिन भी कहा था, आज भी कहना चाहूंगा, यदि आपका आप वाणी में संयमित नहीं है तो आपका बुढ़ापा सुखद नहीं होगा। आपने बच्चे को कितना धन दौलत दे दिया वो महत्वपूर्ण नहीं रहेगा, आपने बच्चे को कितना पढ़ाया लिखाया वो महत्वपूर्ण नहीं रहेगा, आपका वर्तमान तैयार करेगा कि आप वाणी में कितनी संयम। फल जितने पकते जाते हैं फल मीठा होता चला जाता है। बुढ़ापा की स्थिति जितनी आती जाती है उतना मीठे होते चले जाना चाहिए, लेकिन उल्टा होता है। कुछ लोग होते हैं अच्छे होते हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग उल्टे हो जाते हैं। इसलिए जो बीत गया सो बीत गया, बीते ताही विसारी दे आगे की सुधिले। जो बीत गया उन बातों को छोड़ करके नए जीवन की शुरुआत करें। आज अंतिम दिन है, यहाँ से कुछ लेकर के जाइए, कुछ प्रसाद लेकर के जाइए, विचारों का प्रसाद, ज्ञान का प्रसाद, आपस का प्रेम का प्रसाद। आप प्रेम से किसी को मना सकते हैं, प्रेम में इतनी ताकत है। प्रेम से किसी को मना सकते हैं, कटुता से नहीं, कठोर वाणी से नहीं, आक्रोश में नहीं, प्रेम से मनाया जा सकता है। और प्रेम से शेर जैसे जानवर को मनाया जाता है। शेर को सर्कस दिखाने वाले कहते हैं, बेटा तुम आदमी के ऊपर बैठ जाओ, शेर बैठ जाता है, उसको टच नहीं करता है। सर्कस दिखाने वाले कहते हैं हाथी से, बेटा शंकर की मूर्ति है उसकी पूजा करो, वो आता है और पूजा करता है, आरती करता है। सर्कस दिखाने वाले का दिमाग देख देख, इस आदमी के पास इतनी शक्ति है, पूरा ब्रह्मांड को अपने इशारे पर नचाता है, हर जीव जंतु को अपने इशारे पर नचाता है, लेकिन दुर्भाग्य कहूं या सौभाग्य कहूं कि अपने आप को अपने वश पर नहीं रख पाता है, बाकी दुनिया को पूरा अपने वश में रखना चाहता है। जीवन आज मिला है हम सबको, आज अवसर मिला है माता पिता की सेवा करने के लिए, आज अवसर मिला है माता पिता के साथ हंस करके जीने के लिए, आज अवसर मिला है भाई और भाई के साथ हंस करके जीने के लिए, लेकिन हम उसको बदलते चले जा रहे हैं और चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे संस्कारी। अब घर घर नहीं रह गया है,
किसी एक घर की बात नहीं, अब घर घर नहीं रह गया है, घर रेस्टोरेंट बन चुका है। कैसे रेस्टोरेंट बन चुका है? रेस्टोरेंट में भोजन एक जगह बनता है लेकिन भोजन अलग अलग जगह होता है। वो अपने घर में अपने रूम में जाकर के भोजन कर रहे हैं, वो अपने रूम में जाकर के भोजन कर रहे हैं, और सास ससुर जो घर के बूढ़े बुजुर्ग पड़े हैं इंतजार कर रहे हैं कब कोई आए तो भोजन दे, हम भोजन के लिए तरसते रहे। अपने कमरे में चले गए सब, कोई वैल्यू नहीं। जिसको भूख लगी हो निकाले और खाए। क्यों ऐसे करते आप? ये चीज आज करते हैं अपने सास ससुर के साथ, कल आपके साथ भी वही होगा। एक जगह माँ और एक जगह सास और बहू में रोज लड़ाइया, सास बहू में रोज लड़ाइया होती थी। लड़ाई का दौरान परिणाम ये होता कि अंतिम में रोते 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 रोज सासू माँ कमरे में जाती। उसका छोटा सा पोता, 5 साल का पोता देखता रोज। अंतिम में माँ दादी माँ रोज रोते कमरे में जाती है। एक दिन वो बच्चा अपने दादी माँ के साथ में रोज कमरे में गया और कमरे में जाकर के अपने दादी माँ का पल्लू उठाता है और अपने दादी माँ का पल्लू उठा करके उनके आंसू पोंछता है। आंसू पोंछते पोंछते इतनी बड़ी बात कह देता है वो, दादी माँ तुम रो मत, मेरी माँ बहुत दुष्टा है। वो बच्चा देखता है गलती किसकी है, लड़ाइया कहाँ से शुरू हो रही है, आक्रमित कौन हो रहे हैं, परिणाम क्या रहा है। वो बच्चा बोलता है दादी माँ तुम रो मत, मेरी माँ बहुत दुष्टा है। जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा और मेरी भी शादी होगी तो मैं अपने पत्नी को कहूंगा तुम अपनी सासू माँ की कभी सेवा मत करना, क्योंकि वो अपनी सासू माँ से रोज लड़ा कर। क्यों आप ऐसे? वो तो ऐसा ही हुआ, तू मत हो अयान। सदगुरु कबीर की वाणी है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप संस्कारित लोग हैं, आपकी आपकी बड़की आपकी देरान आपकी जिठाना गलती कर रही है, तुम क्यों गलती कर रहे हो? तुम तो समझदार हो, तुम तो घर को संजो सकते हो, तुम तो घर को बना सकते हो, लेकिन तुम भी वही गलती करते चले जा रहे हो। सदगुरु कबीर कहते हैं वो तो वैसा ही हुआ, तू मत हो अयान। और हम कहते हैं हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम समझदार लोग हैं, हम पैसे वाले हैं, हमारा परिवार अच्छा है, कौन सी सभ्यता है? उन्होंने अपने बेटे से प्यार किया, अपनी बेटी से प्यार किया, अपने देरान जठान के बेटे से प्यार नहीं किया, मोहब्बत नहीं किया, तो वो उनकी मूर्खता है, वो मूर्खता की निशानी है। वह निर्गुणिया तय तय गुणवंता मत एक ही में शान। वो तो निर्गुणिया हो गया और तू गुणवान होकर के भी वैसे कर रहा है, क्यों एक ही में शान रहा है? तुम्हारी पहचान क्या है? वही कि तुम्हारी देरान गलती करे, तुम्हारी जेठान गलती करे तो तुम भी गलती करते चले जाओ, ये पहचान नहीं है। अभी साहेब जी कह रहे थे अपने बेटे से ज्यादा प्यार कहीं अपने देरान और जेठान के अपने पुत्र से करना चाहिए, उस घर के माहौल अलग होगा। हो सकता है आपके देरान और जेठान आपसे नफरत करे, लेकिन आपके जो बच्चे हैं, आपके जो आपके परिवार के जो बच्चे हैं, आपके देरान और जेठान के बच्चे हो, आपसे प्यार करेंगे। वो जानेंगे कि मेरी माँ और मेरे पिताजी की गलती है जो मेरी बड़ी मम्मी से या बड़ी चाची मेरे चाची से बात नहीं करती है, लेकिन मेरी बड़ी मम्मी या मेरी बड़ी चाची अच्छी है, जो प्यार करती है उनके लिए चीज होगा। आप पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, घर तब बनता है। कभी बहू को अपनी सासू माँ की छत्तीसगढ़ी में कहते हैं हिजगा, कभी नहीं करना चाहिए। मेरे सहयोग नहीं करती, मेरे काम नहीं करती, कभी नहीं करना चाहिए। उन्होंने तो अपने जीवन का कमाई शरीर का नस नस तोड़ चुके हैं कमा कमा करके और तुमको सौंप दिया है, तुमको सौंप दिया और तुम चाहते हो पर भी आकर के यहाँ काम करे, क्यों ऐसा चाहते हो? लेकिन माताओं से भी निवेदन करना चाहूंगा, यदि आपका शरीर मजबूत है, आपका मन मजबूत है, तो आपका कर्तव्य ये बनता है, आप बहू से प्यार करते हैं, आपके बहू आपको सम्मान देना चाहते हैं, तो सासू माँ का भी कर्तव्य है कि कभी कभी अपने बहू का काम भी मंग के कर लिया करो तो घर स्वर्ग बन जाएगा।
एक पक्ष से नहीं होता है। जब तक उस घर में सासु माँ है और स्वस्थ है, तब तक आशा रखेंगे कि मेरी माँ मेरे हेल्प कर देती तो मैं भी कुछ फ्री हो जाती। तो इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि आप घर में हेल्प कर दिया कर, आपका कर्तव्य बनता है। कभी बुढ़ापे में माँ बाप को तिरस्कृत मत करना, ये आपके लिए वरदान होगा। बुढ़ापे में माँ बाप को कभी तिरस्कृत मत करना। एक जगह की बात है, एक जगह बुढ़िया माँ करीब करीब 80 साल की अवस्था रही होगी, जर्जरता की अवस्था थी, शीतलता की अवस्था थी, चमड़ी में सीकन आ गया था, जैसे उनका शरीर मुलायम सा शरीर हो गया था, एकदम शरीर सिकुड़ चुका था। उस अवस्था में सासू माँ को बड़े प्यार से एक बहू नहला रही थी। उधर से एक संत गुजरते हैं। संत ने देखा बुढ़िया माँ की स्थिति इतनी नाजुक, इतनी शिथिल हो चुका है चमड़ी, यदि जोर से कलाई पकड़ा जाए तो कलाई की चमड़ी छिल सकती, इतनी शिथिल शरीर हो चुका था, इतना नाजुक शरीर। उसको बड़ी प्यार से बेटी नहला रही थी। एक संत गुजरते हैं, उधर से पूछते हैं, बेटी क्या तुम्हारी माँ है, बड़े प्यार से नहला रही हो, इतना नाजुक सा शरीर, बड़े प्यार से धीरे से आयस्ता से तुम इसकी सेवा कर रही हो। वो बेटी बोलती है, महाराज जी मेरी माँ नहीं, मेरी माँ से बढ़कर के रिश्ता है। उनको रहा नहीं गया, माँ से बढ़कर के पवित्र रिश्ता क्या हो सकता है। पुनः कुछ पढ़ते हैं, क्या तुम्हारी सासू माँ है, वो बेटी बोलती है, नहीं महाराज जी मेरी सासू माँ नहीं, उससे बढ़कर के रिश्ता है। उसको आश्चर्य हुआ, इस दुनिया में माँ और सासू माँ से बढ़कर के पवित्र रिश्ता हो ही क्या सकता है। और बेटी बोल सकती थी, हाँ मेरी सासू माँ है, लेकिन वो अपने मन के भावनाओं को व्यक्त करना चाहती थी, अपने मन की वेदना को, अपने मन की पीड़ा को, अपने मन में जो लगाव था, उनके प्रति तत्परता था, माँ के प्रति जो प्रेम था, वो बोलती है, वो बेटी बोलती है, महाराज जी वो माँ है जिसके कोख में मेरे सुहाग पला है। सोचिए, क्या इतना प्रेम होगा तो कभी सास और बहू में लड़ाइयां होंगी। वो बहू बोलती है, महाराज जी वो माँ है जिसके कोख में मेरे सुहाग पला है, जिसके बदौलत आज मैं इस घर में टिकी हूँ, जिसके बदौलत आज मेरे माथे पे सिंदूर है, जिसके बदौलत आज मेरे कलाइया में चूड़िया है। क्या कभी इतना होने के बाद घर में कटुता आएगी। घर को स्वर्ग बनाना आपके हाथों में है। आप क्या पैसा से घर स्वर्ग नहीं बनता, गाड़ी और धन और दौलत से घर स्वर्ग नहीं बनता, घर आपके प्रेम से बनता है। बांट सको तो बांट लो, आज मिला है प्रेम, प्रेम जितना बांटो उतना विस्तृत होता चला जाता है, प्रेम को जितना बांटो उतना विस्तृत होता चला जाता है, खजाना भंडार बढ़ता चला जाता है। प्रेम बांटने वाले ही जानेंगे कितना होता है प्रेम। एक जगह एक सासू माँ रोज अपने घर के काम काज करती, बहू के साथ मस्त रहती। हुआ क्या ये कि उनको कपड़ा लेना था, तो कपड़े लेने के लिए जब भी अपने बहू के लिए कपड़ा लेना होता था तो उनकी बहू कपड़ा लेने, उनके सासू माँ कपड़ा लेने के लिए जाती और अच्छे से अच्छे साड़ी खरीद करके आती। लेकिन एक दिन उनकी बहू गई और पूछती है, माँ तुम कौन सी दुकान में जाती हो, वहां से मुझे कुछ कपड़े लेना है। वो बोलती है, तुम उस दुकान में चले जाओ और कपड़े ला लेना। वो दुकान में जाती है बहू और सेठ जी से कपड़ा मांगती है। वो शुरुआत करती है कपड़ा देखना, रेट पूछती, इसका रेट क्या है, इतना रेट इतना रेट, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000, 1,000, 500 दिखाना शुरू करती है। दिखाते सेठ जी, दिखाते हैं, बहू देखती है। वो सेठ जी पूछते हैं, आप किसके यहाँ से आए। वो अपने सासू माँ का नाम बताती है। सासू माँ का नाम बताते ही सेठ जी जान जाती है, सेठ जी जान जाता है। और सेठ जी कहता है, एक काम करना, मैं सारे साड़ी आपको दिखा चुका हूँ, रेट भी बता चुका हूँ, लेकिन कपड़े को रहने दो, तुम अपने सासू माँ को भेजना। उनकी सासू माँ आती है और सेठ जी से कहती है, तुम सेठ जी अच्छे से अच्छे साड़ी दिखाना।
और सेठ जी अच्छे से अच्छे साड़ी दिखाता है और अच्छे साड़ी ले जा करके अपने बहू को देती है माँ, सासू माँ। उसके बाद उसकी बहू बोलती है, माँ इतनी कीमती साड़ी तुमने क्यों लाया? बहू उसकी माँ बोलती है, बेटी साड़ी कीमती नहीं है, तुम कीमती हो, तुम्हारा महत्व है, साड़ी का महत्व नहीं है। तुम जितने अच्छे कपड़े पहनते हो, जितना सभ्य लगते हो, मुझे पैसा का मोह नहीं है, तुम उतने अच्छे लगते हो। बहू बोलती है, माँ मुझे घर पे ही रहना है, घर में रहने के लिए साड़ियाँ चाहिए थी, मुझे कोई टाके झाल में नहीं जाना है, कोई पार्टी में नहीं जाना है, उसके लिए साधारण से कपड़ा से काम हो जाता, तुमने इतनी महंगी साड़ी क्यों ला दी? इधर से माँ उधर बोल रही, कितना प्रेम है, क्या इतना प्रेम होने में घर में नरक बनेगा? घर को आपको सजाना है, घर को आपको संवारना है, और जिस घर में इतना प्रेम होगा उस घर के बच्चे संस्कारित कैसे नहीं होंगे? जिस घर में आपस में देरान और जेठान में प्रेम हो, यदि कभी गलती से देरान जेठान गलत है तो उनसे प्रेम नहीं कर सकते, मत करो उनसे प्रेम, लेकिन उनके बच्चे से कभी नफरत का बीज मत बोना, क्योंकि आप उनके साथ नफरत के बीज बोओगे और परिणाम फसल आपको काटना पड़ेगा, आप नफरत और के फसल काटेंगे। जी बीज आपने बोया है ना, आपने नफरत का बीज बोया तो नफरत का फसल आप काटेंगे। जीवन की परिभाषा ये कहता है, आप दूसरे के जीवन में यदि कटुता का बीज बोते हैं तो अपने जीवन में कटुता का फसल काटते हैं, अपने जीवन में नहीं, दूसरे के जीवन में जो बोते हैं अपने जीवन में काटते हैं, ये अध्यात्म की परिभाषा कहते हैं। और जो इस परिभाषा का अर्थ समझ जाएगा वो आदमी कभी किसी के साथ कटुता का व्यवहार नहीं करेगा, कभी किसी के साथ नफरत नहीं करेगा। इसलिए आपको अपना घर बनाना है, आप कभी भी बोलना सोच समझ करके बोलना, कटु वचन कभी मत निकालना, तीखे वचन कभी मत निकालना, क्योंकि वाणी निकल जाती है, वाणी एक ऐसी स्पीड तेज गति से निकलती है और जा करके दूसरे के दिल में चुभ जाती है। अच्छी वाणी बोलते हैं वो भी चुभती है और मीठे वाणी बोलते हैं वो भी चुभती है, लेकिन अच्छी वाणी को लोग भूल जाते हैं, कोई को याद रखते हैं, लेकिन कभी आपने कटु वाणी बोल दिया वो जीवन भर याद है, उन्होंने मुझे ऐसा किया। आदमी साल बदलते हैं, कैलेंडर बदल दिया करते हैं, लेकिन आज से 20 साल पहले देरान ने ऐसे कहा, जेठान ने ऐसे कहा, भाई ने ऐसे कहा, पिता ने ऐसे कहा, वो बातें आज भी दिल में चुभती रहती है, आज भी वो बातें बीच में दरारें पैदा किया करती है। आपको बनाना है घर। मैं अंतिम समय हो चुका है, मैं एक बात और कहूं, आप इतना सुंदर घर का निर्माण करेंगे, मकान का निर्माण मैं नहीं करवा रहा हूं आपसे, मैं घर का निर्माण करवा रहा हूं। मकान बनता है छड़ सीमेंट गिट्टी रेत बालू से मकान बनता है, चूना पत्थर से मकान बनता है, लेकिन घर उससे नहीं बनता है, घर बनता है आपस के प्रेम से घर बनता है। और आए दिन आए लोगों की शिकायत होती है कि हमारे बच्चे हमारा कहा नहीं मानते हैं, आपने नफरत का बीज बोया है, कैसे आपके बच्चे आपके कहा मानेंगे? आप योग्य आदमी हैं, आपके पास योग्यता है, आपके पास क्षमता है, आपके पास सहिष्णुता है, तो आपको सहना पड़ेगा, दूसरे जैसे मत हो, आप उस भीड़ से अलग हो, जैसे सब लोग जीते हैं वैसे तुम भी जियो, तुम्हारी समझदारी कहां गई? जैसे सब लोग कपट का भाव करते हैं वैसे तुम भी भीड़ में खड़े हो, तुमको कुछ अलग करना होगा जीवन का निर्माण करना है तो। यदि आप कुछ अलग करना चाहते हैं, अलग जीवन जीना चाहते हैं, तो दूसरा वैर कर रहे हैं तो आप प्रेम करना शुरू कर दीजिए, दूसरा घृणा कर रहे हैं तो आप प्रेम करना शुरू कर दीजिए। जैसे सब आप भीड़ का हिस्सा मत बनिए, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप भीड़ का हिस्सा मत बनिए, ये पूरे संसार के लोग भीड़ के हिस्सा बने हुए हैं, भीड़ के भीड़ में जैसे लोग चल रहे हैं, जैसे परिवार के लोग चल रहे हैं, जैसे समाज के लोग चल रहे हैं, वैसे आप भी मत चलिए, आप भीड़ से कुछ विलक्षण होइए, आप भीड़ से कुछ अलग हट करके जिए, आपके पास प्रेम होना चाहिए, आपके पास दया क्षमा संतोष होना चाहिए, आपके भतीजे आपके नाती पोते आपके बेटे आपके बहन आपके देरान जेठान के बच्चे भी आपके पास ज्यादा आए, अपने मम्मी से ज्यादा लगाव मत रखें, आप इतना विशाल हृदय रखें, इतना विशाल, ये कमाने का चीज है, धन तो कमाओ, जितना धन कमा सकते हो कमाओ, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है परिवार कमाओ, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है समाज कमाओ, आप क्या कमाते हैं?
और शिकायत तब नहीं होगी कि आप अपने आप नहीं कहोगे कि आप अपने बच्चे को कि मेरे बच्चे मेरे कहाँ नहीं माने। अभी आपके बच्चे कहाँ मानेंगे, अभी आपके बच्चे छोटे हैं। गीली मिट्टी को जैसे आकार दो वैसे आकार ढलता चला जाता है, मिट्टी कड़ी हो जाने के बाद में उसको आकार नहीं दिया जा सकता है। बच्चे बड़े हो जाने पर बच्चे को सजाया और संवारा नहीं जा सकता। आज अवसर है आपके पास, आप बच्चे को जो सिखलाते हैं, जो पाठ सिखलाते हैं, आप सिखलाने के मतलब आप खुद करते हैं, सिखलाने के मतलब आप खुद करते हैं। आप जितना बच्चे को बताते नहीं हो उससे बच्चे ज्यादा आपके करने से सीखते हैं। कैसे करने से सीखते हैं, यदि आप अपने देरान से, जिठान से, सास से, बहू से ज्यादा प्यार नहीं करेंगे, ज्यादा लगाव नहीं रखेंगे, तो आपके बच्चे भी उससे दूरी बनाते चले जाएंगे, आपके बच्चे भी उससे दूरी बनाते चले जाएंगे। हर लोगों की शिकायत होती है हमारे बच्चे कहाँ नहीं मानते हैं, और मैं देखता हूँ अधिकतम लोग की शिकायत है, और मैं सबसे कहता हूँ कि आपके बच्चे आप कहते हैं उससे ज्यादा मानते हैं। क्यों इस चीज कह रहा हूँ, क्योंकि आपने सिखाया धन कैसे कमाना है। आपके बच्चे आपके पास में 10 एकड़ जमीन है तो 15 एकड़ करने का ताकत रखते हैं आपके बच्चे। आपने सिखाया गाड़ी कैसे चलाना है, आपके बच्चे गाड़ी चलाते हैं। आपका मकान सिंगल मंजिल था, उसको डबल कैसे करना है आपने सिखाया, आपके बच्चे डबल नहीं ट्रिपल मंजिल करने का ताकत रखते हैं। आपकी सैलरी महीने में 50,000 रुपये थी, लेकिन आपके बच्चे आपसे 1,00,000 रुपया 50,000 का 1,00,000 रुपये ज्यादा कमाने की ताकत रखते हैं। आपने तो यही तो सिखलाया है। कब प्रेम की परिभाषा सिखलाया आपने, कब दया और क्षमा का संतोष का परिभाषा सिखलाया आपने, कब बच्चों को कभी अनाथालय में ले गए, कब बच्चों को वृद्ध आश्रम में ले गए, कब बच्चों को आश्रमों में ले गए जहां संत खुद का निर्माण करते हैं, सेवा सुविधा और साधना के बल पर, तपस्या के बल पर खुद के जीवन को कैसे तराशते हैं, कब आपके बच्चे सीखे हैं चीज, आपने सिखलाया ही नहीं। आप कभी आश्रमों में गए ही नहीं, आश्रम के नाम सुनते ही वहाँ क्या मिलेगा, वहाँ जाने से क्या फायदा है। आज जो दुख भरी जिंदगी जी रहे हैं, आज जो तकलीफें आ रही है, आज जो आपके पास समस्याएं आ रही है, यही का कारण है कि आपने कभी आश्रम नहीं गए, कभी वृद्ध आश्रम नहीं गए, कभी अनाथालय में नहीं गए, वहाँ दान धर्म की परिभाषा नहीं जाने, कभी गरीबों को कभी अनाथों का सेवा नहीं किए, तो आपके बच्चे क्या जानेंगे, आपके बच्चे पैसा जोड़ना जानेंगे, क्योंकि आपने सिखाया है, आपने सिखाया है कि जीवन का निर्माण कैसे किया जाता है, आपने कभी बताया है, आपने कभी परिवार में बैठ करके बच्चों को बताया है कि माता पिता की आरती कैसे करना चाहिए। एक चीज और कहूँ, बुढ़ापे में आपके माँ बाप को आपकी धन संपत्ति नहीं चाहिए, बुढ़ापे में आपके माँ बाप को आपका प्यार चाहिए, कितना प्यार करते हैं। आपके घर में देवी देवता होगा उसकी पूजा कर लेते हैं आप, आप जिस मत पंथ को मानते हैं, जिस संप्रदाय से जुड़े हैं, जिस मजहब से जुड़े हैं उसकी पूजा कर लेते हैं। मैं कहता हूं सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है। आपके असली देवी देवता आपके माता पिता है, क्या आपके घर में उस माता पिता की आरती होती है। जिस माँ बाप ने हमको बनाया, जिस माँ बाप ने हमारा खुद का निर्माण किया, उस माँ बाप के घर में आरती और पूजा कभी नहीं होती है, उसकी पूजा और आरती होती है जिसको आपने खुद निर्माण किया है। करिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन पहली पूजा के हकदार माँ बाप है, आपके घर में कभी नहीं होती। फिर क्यों कहते हैं कि आपके बच्चे कहाँ नहीं मानते, क्यों शिकायत करते हैं। बच्चे बैठे हैं बगल में, पिता पाउच फाड़ता है, गुटका घजम कर जाता है, बुढ़ापे की स्थिति आ गई है, गुटका चबाया नहीं जा रहा है, हथौड़ी से फूट लेता है तब हजम करता है, जहर को अंदर डालता है। फिर क्यों कहते हैं कि मेरे बच्चे बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटका खाते हैं। आप तो सिखलाए हैं उसको, कोई दूसरा सिखलाया है। आप अपने बच्चे को संस्कारी बनाइए, संस्कारी बनाइए। कभी आप किसी का निंदा चुगली मत करिए, निंदा चुगली करके अपने अंदर जहर भरना और दूसरे के अंदर जहर भर। प्रेम से रहने का तरीका है, जो बीत गया सो बीत गया। मैं एक चीज और कहूंगा, बुढ़ापे में माँ बाप जब आप काम करने जाते हैं कहीं, तो चरण स्पर्श करके जाते हैं, तो आपके रात्रि के समय आते तक 9-10 बज जाता है, तब तक आते तक आपके माँ बाप आपके राह देखते हैं, मेरे बेटे आ रहे होंगे, मेरे बेटे आ रहे होंगे। आप चरण स्पर्श करके जाते हैं और आकर के फिर से चरण स्पर्श करते हैं, वो आशीर्वाद इतनी लंबी उम्र देती है, वो आशीर्वाद उनको पक पक
पर साथ देता है। मेरे बेटे आ रहे हैं, जो आह भरते रहते हैं और उनकी पुकार, उनका प्यार आपको घर के घर तक खींच करके लाता है। मेरी माँ मेरे इंतजार कर रही होगी, आपने कब चरण स्पर्श किया है। बुढ़ापे में आपके माँ बाप को आपका धन नहीं चाहिए, आपका गाड़ी नहीं चाहिए, आपके बंगले नहीं चाहिए। आप काम धाम करके आते हैं ऑफिस से, ड्यूटी से, खेत से, खलिहान से आने के बाद में अपने माता पिता के पास बैठ लीजिए, भोजन पूछ लीजिए, तबीयत पूछ लीजिए, प्यार से बात कर लीजिए। यही माँ बाप को चाहिए। और ये चीज आप करते हैं तो आपके बच्चे सीखेंगे, आपका काम आएगा। कम से कम त्योहारों में आप जिस भगवान की पूजा करते हैं आप करिए, आपकी निष्ठा आपकी श्रद्धा है तो, लेकिन पहली पूजा माँ बाप की होना चाहिए। पहले माँ बाप के दीप प्रज्वलित कर लीजिए, माता पिता की आरती उतार लीजिए, माता पिता के गलों में हार अर्पित कर लीजिए, उनके वंदन कर लीजिए, कभी मत्था टेक लीजिए। कम से कम त्योहारों में ये काम तो करिए। जिस माँ बाप, जिस देवी देवता की पूजा करते हो आपकी आस्था है, और उस आस्था के बल पर आपको ताकत मिलता है। वो देते नहीं है, कड़वा सत्य है, लेकिन पूजा करते हो गलत भी नहीं है, क्योंकि कम से कम उसकी पूजा करते हैं तो सही काम में जुटे रहे, उसको आपकी आस्था से ताकत मिलता है। लेकिन ऐसे भगवान की भी पूजा करिए जो आपकी आस्था के साथ साथ देते भी हैं। विषम परिस्थिति में माँ बाप आपके साथ खड़े होंगे, आप आशीर्वाद मांगेंगे, आप उनके चरणों में झुकेंगे, खुश रहो बेटा का आशीर्वाद देंगे। कभी कभी आपके घर में कुछ हो जाए तो एक निवेदन और करूंगा कि कभी वार्ता बंद मत करिए, चाहे जो हो जाए, लेकिन वार्ता कभी बंद मत करना। वार्ता बंद करेंगे तो घर टूटने में देर नहीं लगेगी। पति पत्नी में एक बार ऐसा हुआ, आपस में दोनों में चर्चाएं नहीं होती थी, आपस में दोनों में चर्चाएं नहीं होती थी। एक दिन हुआ क्या कि पति को जाना था ड्यूटी, जब भी काम रहता पत्नी को तो अपने पति को एक पत्र लिख दिया करता कि ए जी मेरे पास ये सामान नहीं, ये सामान नहीं, ये सामान नहीं, तुम ला देना। उनका पति रोज ला देता। और एक दिन उनके पति को सुबह सुबह 4-5 बजे का ट्रेन पकड़ना था, और वो अपने पत्नी को पत्र लिखता है कि ए जी मुझे सुबह के 5 बजे जाना है, ऑफिस ड्यूटी काम है, मुझे सुबह के 4 बजे उठा देना। वो पत्र लिखता है और अपने पत्नी के सिराने पर रख देता है। उनकी पत्नी सोते समय देखती है और सो जाती है। सुबह 4 बजते ही क्या करती है, अपने पति को उठाती है नहीं, वो भी एक कलम और कागज लेती है और एक पत्र लिखती है, ए जी सुबह के 4 बज गए हैं, तुम उठ जाओ, और अपना काम धाम में लग जाती है। रोज सुबह 6 बजे उठने की आदत, 4 बजे कहाँ से उठे, देखता है 6 बज गया, उनकी ड्यूटी का समय गलत हो गया, और बड़बड़ शुरू कर देता है, इतना मूर्ख है, पागल है, मुझे उठाया नहीं, कैसा इंसान है। लेकिन ऐसे पलट करके देखता है तो लिखा पड़ा है, ए जी सुबह के 4 बज गए, उठ जाओ। इसलिए कभी ऐसे मत करना, कहीं अपनी जीवन की नौकरी धो बैठो। कभी ऐसा मत करना कि अपनी जीवन में आय का साधन हो भी समाप्त कर दो, अपने बीच में नफरत का बीज बोलो। इसलिए आपको अपने ही घर को स्वर्ग बनाना है, सुंदर जीवन का निर्माण करना है, अपने घर को सजाना है, अपने घर को सुंदर बनाना है, अपने ही जीवन को तराशना है। आप अपने बच्चों से प्यार करें, माँ बाप से प्यार करें, और अपने नहीं अपने सब बच्चों से प्यार करें। ये पढ़े लिखे और शिक्षित लोगों का काम है, बाकी तो गया काम से। अपनी जिंदगी को नरक बनाते हैं, औरों की जिंदगी को तबाह कर देते हैं। इसलिए सुंदर जीवन का निर्माण करें और सुंदर जीवन को सजाए। मैं आप लोगों के बीच काफी देर से बोल रहा हूँ, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सम्मान, इसी घर से, इसी परिवार से, इसी समाज से मैं निकला हूँ, और आप ही लोगों से सीखा पढ़ा जाना, उसी को आप लोगों के बीच कुछ कहने का प्रयास किया। शायद मैं जितना जानता हूँ उससे कई गुना ज्यादा आप सब जानते हैं, पर भी आप लोगों ने मुझे इतना प्यार से सम्मान से बुलाया, मैं आप सबका आभारी हूँ। आप सबको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव की जय।